उसके बाद जब सिंधियों को नए सिरे से बसाने के लिए भाई प्रताप ने एक अनोखी पहल की कि यहाँ कच्छ के महाराव से एक बहुत बड़े भूमि भाग को प्राप्त कर और वहाँ सिंधियों को बसाने का प्रयास शुरू किया और उन दुखायल से इस कार्य में हाथ बढ़ाने के लिए कहा तो वे गांधाम चले आए। आओ पिनी घर घोरियो सद को कर सा याने हिकलत सब सिकंतियु गालियु ओ फोरला ओ दादा जिन राष्ट्र कवि सां गॾो गॾु आध्यात्मिक में बि उन्हनि जी तमामु घणे में घणी कविताऊं लिखियल आहिनि जिन जे ॿुधण सां अखियुनि मां सचपच पाणी अची वञे। थियो खज़ान जो दौरु पूरो नित नओं आयो बहार वण सुकल सावा थिया गुल फुल टिरी पिया बेशुमार हीर गंबज़ जी लॻी जी खुली झूले ख़ुशीअ में दार दार मस्त थी जंग जा पखी कन हेज हिक ॿिए सां हज़ार हिन सुहाणे वक़्तु निकितो घर छॾे हिकिड़ो लोहार जंहिंजे हथ में धार वारो हो कुहारो ज़ेबदार। उन्हनि ॾींहंनि में स्कूलनि जा हेड हुअण जे करे असांखे श्रमदान करण लाइ हरिजननि जे कालनि में वठी लेंदा हुआ, पाण बि ॿुहारी पाईंदा हुआ, असांखां बि ॿुहारी पाराईंदा हुआ। दिल पंहिंजे हथ सां पहिरीं पाण फुराई ते तूं चवे तंहिं कर मोहबत न कंदसि मां दस्तूर खां ज़्यादा कायनायत न कंदसि मां मूं शान लुटायो तूं सॼण यार जे सदिके सीरीन सजादू कर वफ़्तार जे सदिके ते तूं करे तंहिं कर इनायत न कंदसि मां कि अगर गांधाम देखना है तो दो चीजें अवश्य देखना, एक है दादा दुखायल और दूसरी है गांधी समाधि। मालिक तुंजा सतगुर तुंजा लख थोड़ा मैं मेरे बड़े भाई के साथ दादाजी का जो अभी दादा दुखायल का घर है वहाँ मिलने गई और दादा सेठी पर बैठे हुए थे, सफ़ेद खादी के कपड़े पहने हुए और टोपी पहने हुए। जैसे अंदर घुसी तो मेरा मन नमस्ते तो मैंने की, लेकिन मुझे हुआ कि मैं उनके पांव छूं। और मैं उस समय केवल 21 साल की छोटी सी लड़की थी, राजस्थान से आई हुई, और जैसे ही मैं उनको पांव छूने गई तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, बेटा तुम तो गले लगो, तुम तो हमारी बेटी हो। और फिर जब जैसे जैसे मैं उनके से बात करती गई तो मुझे लगा कि जिन्होंने इतनी पदयात्राएं की, इतनी स्वतंत्रता सेनानी का काम किया और पाकिस्तान में वो एक आदर्श शिक्षक के रूप में काम करते थे, ऐसे व्यक्ति से मैं मिल रही हूँ तो मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व हुआ। वे स्वतंत्रता संग्रामी थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया और गांधी जी के अनुयायियों में थे, इसलिए उन्होंने रतो देरो नाम के अपने गांव में एक गांधी आश्रम ही स्थापित किया था जिसमें लोग चरखा काटते थे और खादी बनाते थे। विनोबा भावे के साथ उन्होंने हजारों गांवों का भ्रमण किया। गांधी
जगत को एक स्थापित करने का जो कार्य है